हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस मंडे के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। निफ्टी क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट दिया है। मैं यहाँ पर आपको 200 डे मूविंग एवरेज भी लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस्ड। 200 डे मूविंग क्रॉस मीन्स क्या सिग्नल होता है? बुलिश मार्केट स्टार्ट हो गया है। सो यस, यहाँ से 11,200 तो मुझे इजीली लगता है। 200-250 पॉइंट निफ्टी मुझे इजीली ऊपर की तरफ लगता है, तो कोई भी इंट्राडे डिप रहेगा काफी अच्छा बाय रहेगा 11,200 के टारगेट के लिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है अभी भी, लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी 24,000-25,000 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा बाय रहेगा 24,000 के टारगेट के लिए। कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टॉक्स दिया था मुथूट फाइनेंस बाय। मैंने ये 11:35 के आसपास बाय दिया था। मैं निकला हूँ 11:80 के आसपास, ठीक है। मैंने क्वांटिटी में थोड़ा ट्रेड किया था, 60,000 प्रॉफिट आया, बट 60,000 प्रॉफिट मेरे लिए इनफ था, मैं स्क्वायर ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद 1200-1220 तक जाके आया ये। लेकिन मैंने आपको लॉजिक के साथ ट्रेड दिया है और आपने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बाकी चैनल्स में और मेरे चैनल्स में फर्क। यूट्यूब पे ऐसे बहुत कम चैनल्स हैं जो जेन्युइनली ट्रेडर्स के हैं और जो जेन्युइनली नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड देके आपको प्रॉफिट करवाते हैं। आपको ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना है, ऐसे लोगों को आपको ऊपर लाना है, ऐसे लोगों को आपको फॉलो करना है। बंधन बैंक मैंने आपको सेल दिया था 340 के नीचे, इसमें सेल ट्रिगर ही नहीं हुआ है। उज्जीवन मैंने आपको बाय दिया था 256 के ऊपर, इसमें भी बाय ट्रिगर नहीं हुआ। अब डिस्कस करते हैं मंडे के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा लुपिन। लुपिन आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो। ये देखो, मैंने ट्रेंडलाइन का वीडियो बनाया था अगर आपको याद है, और मैं एक सिंपल यहाँ पे ट्रेंडलाइन ही बना रहा हूँ। ये देखो, सिंपल ट्रेंडलाइन मैंने ड्रॉ किया है, ट्रेंडलाइन क्रॉस है क्लियर। यहाँ पर मैं बोलिंजर बैंड भी लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बैंड थोड़ा एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है मतलब मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ से मुझे लगता है 940-950 के लेवल्स वापस रीटेस्ट हो सकते हैं, तो काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया भी 1300 के ऊपर चला गया है और मुझे लगता है यहाँ से अगर आप देखो सेटअप 1300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है यहाँ से 1350-1340 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो एक 30-40 रुपए के मूवमेंट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं बाटा। तो कौन से लेवल पे बाय करना है आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट दे चुका है, आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट दे चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल एक प्राइस एक्शन भी समझाता हूँ। टच हुआ फॉल और यहाँ पर देखो ब्रेकआउट। जैसे ये हाई के ऊपर क्रॉस करेगा यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन मतलब ये पैटर्न आप देख सकते हो, करेक्ट। सो ये पैटर्न से आप देख सकते हो, ये पैटर्न से बाहर निकल रहा है ये स्टॉक, और मुझे लगता है यहाँ से अगर निकला तो डेफिनेटली एक 475 तक टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल भी काफी अच्छा बाय रहेगा मंडे के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।